हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें कि हम लोग पेज सेटअप टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो और बना रखा है, होम टैब एंड इंसर्ट टैब पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख ले। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज लेआउट सेक्शन की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे थीम, और थीम में अगर आपने कुछ स्मार्ट आर्ट इस तरीके से इंसर्ट कर रखा है और आप चाहते हो इस पर डिफरेंट टाइप के थीम अप्लाई करना, तो यहाँ पे आपको पहले से यहाँ पे इतने सारे थीम मिल जाएंगे दोस्तों, आप जो चाहो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से देख लो, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से चेंज भी हो रहा है थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलर। तो दोस्तों, कलर में यहाँ पे आपको इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको इन सब में से कोई अगर पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू थीम का कलर भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा फॉन्ट। तो फॉन्ट में आपका जो भी ये थीम अप्लाई किया हुआ है उसमें आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डिफरेंट, तो इसका जो फॉन्ट है वो सब चेंज हो रहा है। आप एक न्यू फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो एक नया थीम बनाकर यहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट। तो इफेक्ट पे भी अगर कोई आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेंजेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप, ठीक है। तो पेज सेटअप में हम लोग का क्या है, सबसे पहले जो है वो है हम लोग का मार्जिन। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। हर एक वीडियो में मैंने बताया दोस्तों, होम टैब वाले वीडियो में भी और इंसर्ट टैब वाले वीडियो में भी, अगर आप टेक्स्ट चाहते हो तो ये उसका शॉर्टकट है, इतना लिख कर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको इतना टेक्स्ट लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। पेज लेआउट सेक्शन में आ गए हम लोग। अब पेज सेटअप में जो पहला है ऑप्शन वो है मार्जिन। तो मार्जिन में क्या है, तो जो भी स्पेस आपको पेज के एंड पे और टेक्स्ट के बीच में ये स्पेस जो दिख रहा है दोस्तों, और ये स्पेस जो दिख रहा है, उसे ही बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप मार्जिन देना चाहो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कितना मार्जिन आप टॉप में रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट बॉटम, चारों साइड आप किस तरीके का मार्जिन रखना चाहते हो, कितना मार्जिन रखना चाहते हो, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखो नैरो किया यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप मार्जिन ये कम हो गया है, ये जो स्पेस है दोस्तों एंड पे लेफ्ट और टॉप से बहुत ही कम हो गया, और ये सब भी साइड से चारों साइड से कम हो गया है, क्योंकि उतना टेक्स्ट नहीं है इसलिए आपको बॉटम में पता नहीं चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नैरो में टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सभी साइड से 1.27 सेंटीमीटर मार्जिन हुआ है। अगर इसे आप बढ़ाना चाहते हो तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप मार्जिन अब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आप चाहो तो कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं अगर उनमें से आप कोई नहीं चाहते हो तो आप कस्टम मार्जिन पे अपने अकॉर्डिंग आप सेंटीमीटर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कितना आप मार्जिन सेट करना चाहते हो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आप किस तरीके से पेज में टेक्स्ट को लिखना चाहते हो या प्रिंट कराना चाहते हो। तो पोर्ट्रेट मोड जो ये इस तरीके का सीधा जो होता है पेज वो है पोर्ट्रेट मोड, और लैंडस्केप में वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देख रहे हो ओरिएंटेशन हम लोगों ने चेंज किया, तो पोर्ट्रेट मोड जब सेलेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकल होगा, टेक्स्ट जो भी होगा आपका वर्टिकल होगा। मैं इसे जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से अगर है तो, अगर आप ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सारा वर्टिकल रहेगा, और अगर आप लैंडस्केप करते हो तो जो टेक्स्ट है दोस्तों वो सब आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो यही फर्क है। नेक्स्ट है हमारा साइज। तो पेज का साइज आपका क्या रहेगा वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेटर लिख रहे हो या कोई और फॉर्मेट तैयार कर रहे हो किसी और चीज़ का, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने सेंटीमीटर का आपका पेज है और उस पर आप किस तरीके के कंटेंट को लिखना चाहते हो। प्रिंट करते वक्त ये सारे चीज़ें थोड़े हेल्पफुल होती है दोस्तों, ठीक है।
जनरली जो हम लोगों का पेज होता है वो A4 साइज का पेज होता है, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, A3 में आप देख रहे हो साइज थोड़ा चेंज हो गया, तो A3 साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों, A4 मीडियम साइज है, और A5 करने पे काफ़ी छोटा पेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये पेज साइज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कॉलम। तो कॉलम में क्या है, लाइक अगर आपने किसी पेज पे इस तरीके से टेक्स्ट लिख रखा है और आप चाहते हो, आपने न्यूज़पेपर वगैरह या बुक्स वगैरह में देखा होगा कि एक ही कॉलम में इस तरीके से टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि इसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या फिर बुक्स वगैरह में ऐसे ही लिखा होता है कॉलम वाइज टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर तीन कॉलम चाहते हो तो तीन कॉलम भी आप बना सकते हो, लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हो, यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों किस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर एक ही कॉलम में चाहते हो सब लिखना तो ये आप वन सेट कर दो, यहाँ पे आपका एक कॉलम में ही सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रेक। तो ब्रेक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, जहाँ से आप चाहते हो कि कंटेंट नेक्स्ट पेज में चला जाए वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ब्रेक पे क्लिक करना है। तो आप किस तरीके से ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक, मैंने पेज ब्रेक के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अगर पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्ट अब नेक्स्ट पेज में चला गया, यानी कि यहाँ के बाद पेज ब्रेक हुआ और यहाँ के बाद जितना भी कंटेंट है वो सब नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है। तो ब्रेक में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और पेज। तो आप चाहो तो इन सारे ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉलम में क्या है दोस्तों कि कॉलम जहाँ भी हम लोगों का बिगिन होता है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फिर वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे कॉलम था, मैंने ब्रेक किया तो अब ये दूसरे पेज में चला गया, कॉलम ब्रेक हुआ ये, ठीक है। और टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग का क्या यूज है दोस्तों, तो आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट है, ठीक है, उसके अराउंड आप किस तरीके से टेक्स्ट को रखना चाहते हो ये होता है टेक्स्ट रैपिंग। लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दूँ इस तरीके से, तो यहाँ देखिए अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे। तो टेक्स्ट रैपिंग में यही होता है कि आप किस तरीके से इंसर्ट करना चाहते हो, इन लाइन करना चाहते हो, स्क्वायर फॉर्म में करना चाहते हो, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट के फ्रंट लाना चाहते हो, या बिहाइंड टेक्स्ट ले जाना चाहते हो, ये आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड आपका टेक्स्ट कैसे रैप होगा, यही है दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा लाइन नंबर। तो लाइन नंबर तो काफ़ी सिंपल है, आप अगर किसी भी पेज में चाहते हो कि कितने लाइन लिखे हुए हैं ये जानना, तो आप सिंपली लाइन नंबर पे क्लिक करें और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दे, जितने भी टेक्स्ट के लाइन होंगे दोस्तों वो सारे यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। आप देख रहे हो इस तरीके से जितना भी लाइन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक है टेक्स्ट इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि उस लाइन में कुछ लिखा नहीं है, कितना लाइन होगा आपका एक पेज में वो आप लाइन नंबर से क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर लाइन में वन से ही स्टार्ट हो तो रीस्टार्ट पेज भी कर सकते हो, लाइक इस पेज में मैं 15-16 लाइन है तो इस पेज में 17 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे रीस्टार्ट इस पेज तो देखिए हर पेज में वन से ही स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे है हमारा हाइफनेशन। तो हाइफनेशन क्या होता है, तो हाइफनेशन में होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई वर्ड आपका एक लाइन लिखा है, अगर कोई आपका लास्ट वर्ड पूरी तरह से उस लाइन में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ लेटर को उस लाइन में लिखते हैं, ठीक है, और हाफ लेटर को नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं और एक हाइफन दे देते हैं एंड में और स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि वो लगे कि वो वर्ड वो जो टेक्स्ट है। लाइक इस तरीके से देखिए, अगर कैन नॉट मेरा इस लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइफन दे दूंगा इस तरीके से और यहाँ पे भी हाइफन दे देता हूँ ताकि लगे कि कैन नॉट एक साथ है। तो अगर इस तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको यहाँ पे हाइफन लिखना पड़ रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि हाइफन ना लिखना पड़े और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले
ठीक है, कि आपका कौन सा वर्ड एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो आपको ये हाइफनेशन ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जनरली नन रहेगा बट ये ऑटोमेटिक कर दोगे, तो अगर कोई भी वर्ड उस तरीके से होता है कि अगर लास्ट में जाने के बाद वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता, उसका हाफ पार्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिक हाइफन लग जाएगा वहाँ पे। फिलहाल मेरे टेक कंटेंट में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो उस तरीके से लिखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। तो वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क दोस्तों किसी भी पेज का बैकग्राउंड पे आप एक सिग्नेचर छोड़ते हो, एक कोई भी ऑथेंटिसिटी के लिए, कि पेज की ऑथेंटिसिटी के लिए वाटरमार्क ऐड किया जाता है ताकि उसे कोई कॉपी ना करे। ठीक है, लाइक इस तरीके से अगर वाटरमार्क ऐड करना है तो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही वाटरमार्क में क्लिक किया तो देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा, तो ये बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल लिखा आ जाएगा जिसे कि एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब आप प्रिंट करोगे तब, या फिर किसी को पीडीएफ भी अगर दोगे इस डॉक्यूमेंट का बनाकर, तो वो वाटरमार्क रिमूव नहीं किया जा सकता। तो वाटरमार्क से पेज की ऑथेंटिसिटी के लिए ऐड किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो, कस्टम वाटरमार्क आप अपना कुछ नाम यहाँ पे दे सकते हो, लाइक मैं अपना दे देता हूँ यहाँ पे। अब आप देख रहे होगे कौशल रॉकी यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड में, बहुत ही लाइट है इसलिए आपको उतना दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए अब थोड़ा डार्क हो गया, तो यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट आप करोगे, और इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, सेमी ट्रांसपेरेंट बना सकते हो इसे, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी फॉन्ट चाहो वो, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप वाटरमार्क में पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, जो चाहो वो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपका पिक्चर ओपन हो जाएगा, और वहाँ से पिक्चर आप सेलेक्ट करके पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो पिक्चर अप्लाई हो गया, और यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसे मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा। वॉश आउट करने से ये ज़्यादा लाइट हो जाता है जिससे कि पता नहीं चल पाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे टेक्स्ट में हम लोगों ने सेमी ट्रांसपेरेंट किया था, आपको पिक्चर दिख रहा है। अब यहाँ पे आप पिक्चर को एडिट भी कर सकते हो कि आप 50% चाहिए, 100% चाहिए, कितना में आप अप्लाई करना चाहते हो इस तरीके से। ये देखिए हर पिक्चर में इतना एडिटेड रहेगा, इस तरीके से आएगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेज का बैकग्राउंड जो होता है वो कलरफुल होता है, कुछ पिक्चर होता है और बाकी में टेक्स्ट लिखा होता है, इस तरीके से ही ऐड किया जाता है दोस्तों वाटरमार्क को। ठीक है, ये देखिए ऐड हो गया पिक्चर, तो हम लोग अभी इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव। और नेक्स्ट है हमारा पेज कलर। तो अगर आप पेज को पूरी तरह से कलर करना चाहते हो, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड आप सॉलिड कलर में चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर कलर जिससे कि आपका पूरा पेज उसी कलर का हो, तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो पेज कलर से। पेज कलर पे जाना है और आपको सिंपली कलर सेलेक्ट कर लेना है, आपका पेज का बैकग्राउंड पूरी तरह से कलर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो पेज कलर पे क्लिक करके यहाँ पे नो कलर सेलेक्ट कर ले, वो कलर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि कैसे बॉर्डर देते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पेज पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है कि किस स्टाइल का, किस लाइन, किस तरीके के स्टाइल से आप बॉर्डर देना चाहते हो। ठीक है, उसका कलर क्या होगा आप यहाँ से कलर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये भी एडजस्ट कर सकते हो कि आप किस साइड से बॉर्डर देना चाहते हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देना चाहते हो या फिर सिर्फ वर्टिकल में देना चाहते हो, ये भी, या फिर सिर्फ एक साइड ही देना चाहते हो बॉर्डर। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को भी मिलेगा, यहाँ पे आप चारों साइड देना चाहते हो तो आपको चारों क्लिक करना होगा, होल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेज चारों ओर बॉर्डर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक हर पेज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई चाहते हो पेज बॉर्डर में आर्ट देना, तो यहाँ पे आप आर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको इतने सारे आर्ट मिल जाएंगे, आप जो भी चाहो वो आर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ के बाद अगर आप दूसरे पेज में भी जाओगे दोस्तों तो आपको हर पेज में ऑटोमेटिक बॉर्डर इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हो।
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ के बारे में, इंडेंट के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था होम टैब में। ये जो है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बारे में मैंने बताया था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इंडेंट क्या होता है। इंडेंट जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में, जिसे मार्जिन वो भी बोलते हैं, वो कहलाता है इंडेंट। इंडेंट में आप कितना स्पेस देना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करूँ तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो इंडेंट यानी मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसे डिक्रीज करूँगा तो वो एडजस्ट होगा। अगर मैं राइट साइड से इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख रहे हैं राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है इंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग के बारे में भी मैंने होम टैब में ही बताया था दोस्तों। ये देखिए लाइन स्पेसिंग यहाँ भी है और इंडेंट यहाँ भी, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ये सेम वही दोस्तों। इंडेंट में इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट और ये है स्पेसिंग। किसी भी लाइन के पहले या बाद में कितना स्पेस देना वो आप यहाँ से एडजस्ट करते हो। बस सिंपली उस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंक्रीज करना है स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग आप इंक्रीज करना चाहते हो किसी भी लाइन के पहले। और लाइन के बाद में करना चाहते हो तो लास्ट लाइन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से। आफ्टर कब काम आएगा दोस्तों, जब आप किसी भी लास्ट लाइन को क्लिक करोगे और उसके बाद के टेक्स्ट को अगर आप नीचे भेजना चाहते हो तो आपको आफ्टर क्लिक करना होगा। अगर आप बिफोर करना चाहते हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा ताकि ऊपर वाले उसके ऊपर उसके पहले इंक्रीज हो। काम दोनों में एक ही हो रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ क्लिक करके आफ्टर करेंगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आफ्टर मीन्स मुझे यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद ये स्पेस इंक्रीज होगा, और अगर बिफोर करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसके ऊपर स्पेस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अरेंज, तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करा है अपने डॉक्यूमेंट में। ये सारे ऑप्शन डॉक्यूमेंट में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो काम करता है। ठीक है, तो मैंने इंसर्ट ऑप्शन में आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ लाइक इस तरीके से। तो ये इंसर्ट हो गया और भी कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। अब वापस आते हैं पेज लेआउट। तो अब आप देख रहे होंगे अरेंज में हम लोग का सारा ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन की। तो पोजीशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ठीक वही ऑप्शन है दोस्तों जो मैंने आपको टेक्स्ट रैपिंग में बताया है, इन लाइन विद द टेक्स्ट। इन लाइन विद द टेक्स्ट का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसी लाइन में इंसर्ट होगा जिस लाइन में टेक्स्ट है। तो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो आप देख रहे हो उसी लाइन में ये एडजस्ट हो गया टेक्स्ट के साथ ही। अगर विथ करेंगे तो विथ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टॉप पे आप जाते हो, लेफ्ट में या सेंटर पे चाहते हो। ये देखिए टॉप पे क्या हुआ, तो टॉप लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हो या सेंटर पे करना चाहते हो या फिर राइट साइड में करना चाहते हो या फिर मिडिल में करना चाहते हो। अगर ये पूरा पेज में डॉक्यूमेंट होता तो ये यहाँ पे पोजीशन होता, तो आप जहाँ चाहो वहाँ एडजस्ट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो इतने सारे आपको पोजीशन दिए गए हैं, आप जहाँ पे भी अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसमें होगा क्या, इसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आया हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि हम लोग का टेक्स्ट जो है वो हिडन हो जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पीछे चला जाए टेक्स्ट के पीछे। तो अगर इसे पीछे भेजना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग का ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है दोस्तों और टेक्स्ट भी दिख रहा है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग का टेक्स्ट से पीछे चला गया। अगर इसे टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो यहाँ पे सिंपली करेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये देखिए ये ऊपर आ गया, अब टेक्स्ट नहीं दिख रहा। यही केस अगर ऑब्जेक्ट के साथ करें तो भी ऐसे ही होगा। देखिए अभी ये जो स्माइली फेस है ये हम लोगों का ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पर ले आता हूँ दोनों। ये देखिए अभी ऊपर में कौन है, ये स्माइली फेस की वजह से ये जो पीछे में दूसरा ऑब्जेक्ट है ये ढक जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर हो और ये नीचे, तो सिंपली उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो अब ये देखें अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर हो गया और स्माइली नीचे हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इसे पीछे भेजना तो सेंड
बैकवर्ड, क्लियर है दोस्तों, सेंड बैकवर्ड या सेंड बैक करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट रैपिंग के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। टेक्स्ट रैपिंग वही होता है कि आप टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रैप करना चाहते हो, टॉप पे रखना चाहते हो या थ्रू रखना चाहते हो या फिर बिहाइंड द टेक्स्ट भेजना चाहते हो या फिर इन लाइन विद द टेक्स्ट करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको सिमिलर मिल जाएंगे जिससे कि सारे काम सारे से एक ही तरह का काम होता है, ठीक। अब आते हैं दोस्तों अलाइन, तो अलाइन में भी वही काम है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, अब अलाइन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब अलाइन, अलाइन टू राइट, अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन बॉटम, देख रहे हो। तो ये ठीक वही है जो यहाँ पे पोजीशन पोजीशन का काम था। पोजीशन का काम क्या था दोस्तों, कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सेंड करना, बट रैपिंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप करते हुए पोजीशन चेंज होगा, बट यहाँ पे अलाइन से क्या होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होगा, टेक्स्ट से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का अलाइन को अलाइनमेंट को चेंज किया, तो यहाँ पे टेक्स्ट जैसे था वैसा ही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस तरीके से देखिए टॉप पे भेज रहा हूँ तब भी टेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ वही के वही है, ठीक है, ये देखिए। लेकिन वही अगर मैं पोजीशन पे चेंज करूँ तो ये देखिए उसके साथ टेक्स्ट भी कंटेंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें एक और है दोस्तों कि व्यू ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस में क्या होता है कि आपके पूरे पेज पे इस तरीके से ग्रिड लाइंस बन जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने ग्राफ कॉपी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से ग्रिड बने होते हैं। तो ये ग्रिड लाइन यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, कितना रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन दोस्तों वो है ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप अभी देख रहे हो आप हाईलाइटेड नहीं है, तो ग्रुप का यूज क्या है, तो ग्रुप हाईलाइटेड तब होगा जब हम लोग के कंटेंट में, पेज कंटेंट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं पहले और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप से आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है, तो दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करना है, तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको ग्रुप पे क्लिक करना है, जिससे कि जितना भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो सब एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और जब भी आप मूव करोगे इस तरीके से, तो ये देखिए ग्रुप में आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो गया, ठीक है। आप चाहो तो कितने भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो फिर सिंगल सिंगल ट्रीट करना, तब तो आप मूव नहीं कर पाओगे, जब भी मूव करोगे दोनों एक साथ मूव होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से ग्रुप पे जाना है और अनग्रुप कर देना है। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो सिर्फ यही मूव होगा। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन दोस्तों रोटेट, तो रोटेट क्या काम करता है, तो रोटेट का काम यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो, वो आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है दोस्तों उससे भी आप क्लिक करके रोटेट कर सकते हो इसे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे रोटेट से बाय 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप कर सकते हो इस तरीके से भी। तो आप यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से भी ये चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।